यूपी के 825 ब्लॉक प्रमुखों के पदों के लिए गुरुवार 8 जुलाई यानी आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कराए जाएंगे। सभी विकासखंड मुख्यालयों पर होने वाले इस नामांकन दाखिल का समय दोपहर के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। खामियां पाए जाने पर नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। चाका ब्लॉक के लिए ब्लॉक प्रमुख का आज नामांकन हो रहा है। 200 मीटर के एरिया में केवल वही लोग आ सकते हैं जिनको अपना नामांकन करना है, और व्यवस्था हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बैरिकेटिंग वगैरह काफ़ी बेहतर कर रखी है। पुलिस फोर्स मौजूद है। परसों इलेक्शन होना है और उस समय यह व्यवस्था रहेगी कि 200 मीटर में केवल उम्मीदवार या फिर सदस्य एंटर कर पाएंगे, जिनका ड्यूटी वही लोग एंटर कर पाएंगे। बाकी ब्लॉकों में भी यही व्यवस्था है? सारे ब्लॉक हमारी इसी तरह की व्यवस्था रहेंगी। सब शांतिपूर्वक? बिल्कुल, सब परफेक्ट। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को नामांकन दाखिले और नामांकन जांच के बाद शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नामांकन वापस लिया जा सकेगा। उसी दिन चुनाव मैदान में अकेले बचे उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित भी किया जाएगा। मैं अनिल कुमार सिंह, समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी चाका। आज दिनांक 8 जुलाई को मैं चाका ब्लॉक परिसर में नामांकन करने के लिए आया हूँ और पूर्ण रूप से मुझे इस चीज़ का विश्वास है कि हम समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग ग्रामीण क्षेत्रों का ब्लॉक प्रमुख होने के बाद पूर्ण रूप से विकास करेंगे। जिस तरह से समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे विधायक माननीय उज्ज्वल रमन सिंह जी, हमारे सांसद माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह जी लगातार कई वर्षों से क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी अपनी क्षेत्र की जनता का और समूचे समाज का सबको साथ लेके सबको एक बराबर निगाह से न किसी के साथ भेदभाव करके निरंतर प्रयास करूंगा कि विकास करने का काम करूं। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार के साथ एक उसका प्रस्तावक और एक अनुमोदक सहायक निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में अपने नामांकन प्रपत्र लेकर जाएंगे। मैं इलेक्शन तो जो मतदाता हमारे हैं सम्मानित जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य, वो हमारे पक्ष में अपने विचार स्वभाव मेरे कार्यों को देख के, चूँकि मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ मैं 89 से लेकर अब तक, और अपने दाल रोटी के लिए व्यवसाय भी साइड भी करता हूँ, लेकिन मेन मेरा ये रहा कि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ और जिस पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ चुनाव निश्चित तौर पर जीतूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। योगी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी विकास कार्य गांव के शौचालय से लेके नाली तक, सड़क तक, खरंजा तक, या गांव के लिए जो भी विकास कार्य के लिए ऊपर से गाइडलाइन आएगी, निश्चित तौर पर यथासंभव जितना भी बजट आएगा उसको मैं पूरा से पूरा जो है एक नीचे तबके तक रहने वाले लोगों तक पहुंचाने का कार्य मैं करूंगा, यही मेरा मोटो है। जी, मैं राजू सिंह पटेल, क्षेत्र पंचायत सदस्य, चौकठा निवासी, नरसिंहपुर। प्रस्तावक और अनुमोदक भी प्रत्याशी की ही तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे। ये सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह अनुपालन करेंगे। शुक्रवार को नामांकन वापसी के बाद शनिवार 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान करवाया जाएगा और फिर उसी दिन मतगणना करवाकर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसका अच्छा सा पालन किया जा रहा है और उसकी सारी व्यवस्था जो है पुलिस जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। नामांकन अभी तक दो पार्टी आ चुकी है, एक का नामांकन हो गया, एक जाने की तैयारी में है, एक सपा और एक भाजपा। श्यामलाल तिवारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड चाका। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।